आर यू, आप कौन हो? आज आपको मैं बताने वाला हूं आप कौन हो, हु आर यू, नो अबाउट योर सेल्फ विदाउट नोइंग. दिस इज द रियली दिस द डिवास्टी वेयर द पीपल आर थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल नो एवरीथिंग अबाउट अदर्स बट नॉट देमसेल्फ. हु आर यू, आप कौन हो, क्या हो? सोच रहे होंगे अच्छा कोई बाबा वाला स्पीच देंगे, आप भगवान के दूत हो. नहीं, आप कौन हो? क्या आपने आपसे पूछा आप कौन हो? हु आर यू, हु आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू हैव सम वर्ड्स अबाउट दैट. हु आर यू, कौन है आप, क्या है आप? सर हम तो मानो है, इट्स वेरी नाइस कि आप मानो हैं, लेकिन आप कौन है? मानो तो सब है, आप कौन है? मैं सबको थोड़े पूछ रहा हूं, जो लोग सुन लिया आप कौन है वो समझो कि उसी से पूछ रहा हूं. कौन हो? सर हम तो हैं, बड़ा हम दुखी हैं, लेकिन क्यों? काम को तो कोई प्यार ही नहीं करता, हम तो अकेला है. फिर क्वेश्चन है, ठीक है आपको कोई प्यार नहीं करता, बेकार है. आप हैं कौन? कौन है? सर आपने एक दिन बताया था कि बोलना कि हम आईएस हैं, ठीक है आप आईएस हैं, लेकिन आप कौन है? यू नीड टू अंडरस्टैंड आप कौन हो. कौन हो? सर मैं एक दिन सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, ठीक है तू बहुत बड़ा इंसान है, तू कौन है? बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, सर हम इंसान हैं तो फिर कौन है, क्यों कैसे बोल रहे हैं आप? हम इंसान हैं, बड़े आदमी हैं, हम आईएस हैं, फिर आप कौन हैं? अगर ऐसा जवाब आ गया आज आपके दिमाग में, बेट लगा कहता हूं कि आज के बाद नेगेटिविटी आएगी नहीं आपके पास, दूर दूर तक नहीं आने देगा. कभी आपने बोला आई एम यूनिक, दूसरे से बोलते पता है मैं अलग तरह के हूं. अच्छा ये खासकर लड़कियां बोलती हैं, मैं वैसे वैसे मत समझो हम अलग तरह के लड़की हैं. अभी तरह पूछो कि बच्चा ठीक है आप अलग तरह को, आप कौन हो? बस अलग तरह के है ना, नहीं ठीक है आप अलग तरह के हो, लेकिन आप कौन हो? कभी आपने कहा यस फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, आई एम अमेजिंग गाय, इन द मॉर्निंग जस्ट गो बिफोर द मिरर, ओपन योर आइज एंड से, पुट योर नेम, ओपन योर माउथ विद योर नेम, हे एक्स वाई जेड, आई एम अमेजिंग गाय, एक्स वाई जेड इज अमेजिंग गाय, एक्स वाई जेड आई लव यू, एक्स वाई जेड तू बहुत बड़ा इंसान है, एक्स वाई जेड तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं, एक्स वाई जेड तुम ऊंचाई में जहां चाहना चाहते हो जा सकते हो, एक्स वाई जेड तुम लाजवाब इंसान हो, एक्स वाई जेड आई लव यू, एक्स वाई जेड आई लव यू, एक्स वाई जेड में किसका नाम रखना है? खुद का. जस्ट पुट योर नेम, पुट योर नेम, ओपन योर माउथ फर्स्ट, डू योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ, जस्ट फाइंड योर सेल्फ, जस्ट केयर योर सेल्फ,
Just see yourself. Then you will find yourself an answer. An answer of your my question is that ki tum kaun ho. Don't do single time in a day. Just do it twice, thrice. How many times you can do? Just go and say, hey, X, Y, Z, I love you. Always say, X, Y, Z, I love you. Don't say, X, Y, Z, I love you. Just put your name. Don't put your other's name. Don't put your loved one's name. Just put your names. You are the loved one of yourself. No one is loved one of yours. तुम अपना खुद का प्यार हो, दूसरा कोई नहीं है. तुम खुद इमेजिन इंसान हो, दूसरे के कहने से इमेजिन नहीं हो. तुम खुद इमेजिन इंसान हो, तुम खुद यूनिक हो. लेकिन सबसे पहले यू हैव टू नो योर सेल्फ, हु आर यू, एंड यू आर द इमेजिन गाय, एंड यू आर द इमेजिन गाय. यू हैव टू से इन द मॉर्निंग, यू हैव टू से इन द आफ्टरनून, यू हैव टू से इन एट नाइट, यू हैव टू से एवरी टाइम, यस आई एम इमेजिन गाय, आई एम इमेजिन गाय, आई एम इमेजिन गाय. I love myself, I love myself, I love myself. Again question is that कि बड़ा interesting है सर, इससे क्या हो जाएगा? आप दूसरे को बोलते हो हम आपको बहुत प्यार करते, तो उससे क्या है? लड़की नहीं सुनती है तो कागज पढ़ लिख के और सीट पर साट देते हैं, लो पढ़ लेना. उससे क्या हो जाता है? आप बोलिए क्या हो जाते? कुछ होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है ना? सामने वाले को जब आप बोलते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो उस पर असर पड़ता है ना? सोचो अगर तुम खुद अपने आप को बोलते हो कि मैं, तुम नाम रखते हो और बोलते हो कि मैं खुद प्यार करता हूं, क्या असर तुम पर नहीं पड़ेगा? तुम जब सामने वाला बोलता है तुम एकदम बेवकूफ इंसान है, तो तुम पर असर पड़ता है ना कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना? जब तुम खुद बोलते हो कि तू लाजवाब इंसान है, तो क्या असर नहीं पड़ेगा? सामने वाला जब बोलता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, असर पड़ता है ना? जब तुम बोलोगे कि तू कर पाएगा, तो असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बट डोंट से वंस एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट गो एंड से योरसेल्फ. जस्ट ओपन योर बुक. व्हेन यू ओपन योर बुक, hey, just open your book and say, XYZ, you are very talented, you can understand this book, and you will find after some time you will understand that book. जब भी किताब खोलो, खोलने के साथ साथ पढ़ना मत शुरू करो. बोलो, खुद को बोलो, XYZ, तू पढ़ने जा रहा है और तू इतना टैलेंटेड है कि इस किताब को देखेगा और तुमको समझ में आने लेंगे. जब ये बोलोगे, वो सोचना नहीं है, बोलना है. जब ये बोलोगे कैसे इससे क्या हो जाएगा, थोड़ी बताइएगा आप मुझे. अरे भैया, आई लव यू दूसरे को बोलते तो क्या हो जाता है? अगर उससे कुछ नहीं होता तो इससे भी कुछ नहीं होगा. लेकिन आप लोग, बहुत लोग इसमें बोलते हैं और मेरे बात को समझ रहे होंगे कि होता है. अगर उससे होता है तो इससे भी होता है. इट्स नॉट normal thing, it's a biology. What I'm talking about, I'm not talking about rubbish. I'm talking about science. I'm talking about science. It's a psycho mental development kinds of things. It's a psychologically आपका development हो रहा है, psychologically boost होना है. कैसे? आपको कोई कह देता है, अरे वाह क्या लाजवाब है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज होता है. वाह, मेरे को लाजवाब कहा है, मेरे को अच्छा कहा है. नहीं होता है क्या? आप किसी चीज को बनाते हो और आप किसी से बोल देते, अरे वाह कितना खूबसूरत लगता है, जैसे वाह मेरे में आर्टिस्ट घुस गया, और आप आर्टिस्ट हो जाते हो. आप कोई कपड़ा पहनते हो, अरे वाह क्या हीरो लग रहा है, या क्या हीरोइन लग रहे हो. तुरंत चलने के ढंग चेंज होते हैं, वाह मैं तो हीरो लग रहा हूं, हीरोइन लग रहा हूं. अगर इस बोलने से असर पड़ता है, तो क्या तुम अपने को बोलते हो? क्या तुम बोल सकते हो, जैसे आप ड्रेस पहनते हो, आईना के सामने जाते हो, वाह मैं तो हीरो लग रहा हूं. कैसे इससे क्या हो गया, हीरो जाऊंगा? बोलो तो पहले. दूसरा कोई कह देता है हीरो जाता है तू, दूसरा कोई कह देता है कि बेकार है तो बेकार हो जाता है तू.
दूसरा कहता है कि एकदम घटिया आदमी है, तो क्या घटिया हो जाता है तू? तब क्या छटपटाता है, तब क्यों परेशान होता है? लेकिन अगर दूसरा कोई कह देता है कि तू घटिया हो जाता है और तू छटपटाता है, ध्यान रखो तुम वैसे ही जब तुम कहोगे अपने आप को आईना के सामने, उंगली दिखा के तू लाजवाब आदमी है, तू हीरो है, जवाब आएगा क्या? तू लाजवाब ही इंसान है, तू हीरो है। लाइफ इज इको, बहुत पहले आप लोग ने इंटर में पढ़ा था। जस्ट थिंक अबाउट, डोंट फॉरगेट टू से आई लव यू माई सेल्फ, डोंट फॉरगेट टू से आई एम द अमेजिंग गाई, डोंट फॉरगेट टू से आई एम द मैन who is the builder of the nation, don't forget to say I can do anything, don't forget to say I have power to understand this, don't forget to say yourself is the great lover of yours, don't forget to say, kabhi bolna mat band karo, morning evening jab bhi, because you have to know yourself, tumko janna padega apne aap ko, samajhna padega, dekho a life confidence ka game hai, you have to be confident, you have to be confidence, कहां से आएगा, कहां से आएगा कॉन्फिडेंस? राम बाबू जी की दुकान से खरीद के लाएगा? नहीं मिलेगा, उल्टे जाओगे खरीदने तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा और नीचे चला जाएगा। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? सेल्फ एस्टीम चाहिए। कहेंगे सर एस्टीम तो हम क्या करेंगे, पानी पी लेंगे और गैस पर बैठ जाएंगे, एस्टीम आ जाएंगे अंदर से। सेल्फ एस्टीम चाहिए, कहां से लाओगे सेल्फ एस्टीम? कौन देगा? तुम खुद देगा, तुम खुद देगा सेल्फ एस्टीम, तुम खुद देगा अपने आप को कॉन्फिडेंस, तुम खुद देगा अपने आप को मोटिवेशन, तुम खुद देगा अपने आप को सब कुछ जो तुमको चाहिए। और वो कैसे? उस काम को करने के पहले तुमको हमेशा दोहराना है, यस मैं तो लाजवाब इंसान हूं यार, मैं तो इसको कर ही लूंगा, पता है मैं अपने आप को बोल रहे एक्स वाई जेड, तू तो लाजवाब इंसान है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? हे लाजवाब इंसान, तुमको नेगेटिविटी से क्या फर्क पड़ता है? हे लाजवाब इंसान, तुमको अगर वो कह रहा है खराब है तो उससे क्या मतलब? तू तो लाजवाब है, तुमको तो रोक ही नहीं सकता कोई, तू तो बहुत ऊंचा तक जाने वाला है। डोंट हियर द पीपल, लोगों को नहीं सुनना, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, सुनो ना, लोगों को सुनना है ना, सुनो। अगर लोगों का सुना हुआ चीज का असर आपके जीवन में आपके कॉन्फिडेंस नीचे ले जाने के लिए होता है तो क्या करोगे? कैसा है उसके लिए आप संडे को है ना बुलाते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर कर देते हैं और फिर क्लास से बाहर निकलते हैं फिर नीचे हो जाते हैं, फिर घर पहुंचते तो पता नहीं कहां चले जाते, और अगले दिन जब सीढ़ी चढ़ते तो इनको थोड़ा ध्यान है अच्छा है वहां पे बहुत शैतान इंसान है, फिर हमको मोटिवेट करेगा, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होकर चलाते हो, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होकर आते हो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है क्योंकि बिकॉज यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, तुम जानते नहीं अपने आप को, आप लोग की कंडीशन क्या है। लोग कहता है कि हमारा मालिक तो एक है भगवान है, आपके मालिक तो बहुत सारे लोग हैं भाई, आपके मालिक तो इतने लोग हैं कि मैं बोलूं तो बड़ा कष्ट हो जाएगा आप लोग, क्योंकि मैं थोड़ा सा वोकल हूं, बोलता हूं, हमारे जैसे लोग बोलने ही वाले होते हैं, बहुत सारे लोग मालिक हैं आपके। कौन कौन मालिक है जी, कौन कौन मालिक है? बहुत लोग हैं जिसमें आपके पेरेंट्स हैं, तो अच्छी बात है सर, उन्होंने तो जन्म दिया है तो मालिक तो होना ही चाहिए जी, बिल्कुल। कौन है भाई? तो टीचर्स हैं, बल बिल्कुल भाई, सर पढ़ाते हैं हमको तो मालिक होना ही चाहिए, बहुत बढ़िया सर। और कौन है? तो आपके खास लोग, सर हम बहुत प्यार करते हैं इसलिए होना ही चाहिए। आप बताओ आप अपने आप का मालिक कब बनोगे? When you become the owner of yourself, कब? कब अपने आप का मालिक बनोगे? सर हम कैसे बने? Just go and say yourself morning, evening, night, I'm the owner of myself, I'm the owner of the myself, I'm the owner of myself, XYZ, तू अपने आप का मालिक है, XYZ, तू अपने आप का मालिक है, और देखना तुम में एक मालिक होने का, एक
ओनर होने का एनर्जी जागृत होगा और तुम फिर जो करना चाहेगा करेगा। बड़ा अजीब है, पीपल आर थिंकिंग व्हाट सर, हमको तो दुनिया में अच्छे बनना है, लोग मुझे अच्छा कहे, और आप कह रहे हो कि तुम अपने आप को कहो कि मैं मालिक हूं तो लोग मुझे बुरा कहेगा, लोग बुरा कहेगा ना, कहेगा ना, असर पड़ेगा ना तुम पर। तुम कहो कि मैं अच्छा हूं, सुबह शाम इवनिंग आईना के सामने खड़े हो जाओ यार, जो चार बार जाके बाल ठीक करते हो और ड्रेस ठीक करते हो उस समय बोलो है एक्स वाई जेड, तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, तो दुनिया का सबसे लाजवाब इंसान है, तू दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, खुद बोलो, देखो तुम्हारे अंदर में क्या होता है। वो एक दिन नहीं करना है, फ्रॉम टूडे यू हैव टू डू इवनिंग नाइट मॉर्निंग एवरी टाइम व्हेन एवर यू फाइंड द टाइम जस्ट गो एंड डू इट, बी वोकल। कोई कह दिया तू पढ़ के कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं लगता मुझे, तू पढ़ के बन जाएगा एकदम नहीं लगता, जब वहां से निकलो मुस्कुराते हुए निकलो, मैं मानता हूं उस समय रो रहे होगे क्योंकि दूसरे की बात की असर होती है आप पे, ठीक है, रोते हुए चले जाइए रूम में, अब रोते हुए बोलूंगा मैं। गए आईना के सामने खड़े हुए और जोर से बोले, नहीं मैं पढ़ के करूंगा, मैं पढ़ के करूंगी, जो बोल सकते हैं यस मेरे में इतनी एबिलिटी है मैं पढ़ के कर लूंगा, एक्स वाई जेड तुम्हें एबिलिटी है तू कर लेगा, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि दुनिया क्या कर रहा है, अपने को बोलना है एक्स वाई जेड मेरे में एबिलिटी, तुम्हें एबिलिटी है, तुम कर लेगा, तुम क्यों नहीं समझता है कि तुम्हें इतनी क्षमता है कि तू कर लेगा, और तू देखेगा जो पड़ोस में जो बोला था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा वो सारे खत्म हो गए रहेंगे और तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी फिर से निकल जाएगा और फिर तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बहुत चैलेंज है तुम लोगों के सामने, एवरी टाइम चैलेंज है, दूसरों से कंपैरिजन है, दूसरों से कंपैरिजन क्या चीज, तो बाइक का कंपैरिजन, घर का कंपैरिजन, घूमने का कंपैरिजन, लुक का कंपैरिजन, और बहुत सारे का कंपैरिजन है, दिन बार कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, एंड वो कंपैरिजन तुमको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक साइलोस क्रिएट किया है, एक मन में कुंठा तैयार कर रहा है, कह रहे यार मैं तो ऐसा नहीं, मेरा तो नंबर कम है, मैं तो तेज नहीं हूं, मेरा तो घर वाले वैसे नहीं है, मेरा तो पास, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, उसके पास तो बड़ा घर है, मैं तो कुछ नहीं हूं, वो तो बहुत कुछ है, और इससे धीरे 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 कुंठित होते चले जाते हो, और एक समय आता है जब आप नॉन परफॉर्मर हो जाते हो, और वो ठीक इसके इतर सोचता है मेरे पास तो सब कुछ है मैं कहां कमजोर, और पता चलता है कि वो जो बेवकूफ टाइप के कहने वाला लड़का या लड़की अब हीरो हो चुके होते हैं, हीरोइन हो चुके होते। सोचो क्या करते हो आप दिन भर, कौन बोलता है कि आप बेकार हो, आप खुद बोलते हो, खुद कंपैरिजन करते हो, कंपटीशन है, एग्जामिनेशन का कंपटीशन है, ये एग्जाम वो एग्जाम दिन भर एग्जाम, नौकरी नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है, दिन भर चर्चा, ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है, ये नेता ठीक है, वो नेता खराब है, ओ माय गॉड, तू नेता कब बनेगा, तू सरकार कब बनेगा, तू नौकरी का नौकरी बनना बने वाला कब बनेगा, तू नौकरी पर डिपेंड ना होने वाला कब बनेगा, जाओ थ्राइस इन अ डे जितने बार बोल सकते हो खड़ा होकर बोलो, एक्स वाई जेड तू दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, एक्स वाई जेड ये दुनिया के सारे समस्या को तू सॉल्व करने वाला है, एक्स वाई जेड तू ही है जो सब कुछ कर सकता है, बोल के देखो तुम्हें एक एनर्जी आएगी और तुम कर पाओगे। इंटरेस्टिंग है 95% लोग की कंडीशन क्या है, बड़ा मेहनती है, भारत देश बड़ा मेहनतों का देश है, यहां पर बड़ा मेहनती लोग हैं, अभी बहुत सारे गर्ल्स बॉयज हैं, गर्ल्स बड़ी खाना वाना बना के आए होंगे, बहुत सुबह से लगे होंगे घर वर साफ करना खाना बनाना आए होंगे, लड़के भी बहुत सारे खेत के काम होंगे और बहुत सारे काम करे होंगे और उसके बाद आए होंगे तैयार होके, बड़ा मेहनत करते आप लोग, लेकिन आप भूल जाते, अभी मैं इसको पॉकेट में रख लूँ क्या दिखेगा, देखो क्या दिख रहा है, ये 5% है, ये 5% है, देखो कितना छोटा है, मेहनत कौन करेगा, इन किसकी खत्म होगी,
परेशान कौन होगा? नाम किसकी होगी? लाइफ है। जितने लोग इस शरीर से मेहनत कर रहे हो उनको बता रहे कैप चमकेगा, वो कैप ही तुम कुछ भी कर लो चमकने का काम सिर्फ यही करेगा। तुम कह सकते हो सर इसके बिना इसकी कोई औकात नहीं है, हो सकता है इसीलिए तो बैठा हुआ राज कर रहा है, इसलिए तो बैठ कर राज कर रहा है। उसको मालूम है कि दुनिया में सब कुछ यही कर सकता है, लेकिन राज करने के लिए मुझे ऊपर से आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों? मेहनत सब कुछ यही करेगा, लिखेगा ही, लेकिन राज करने के लिए हमको ऊपर से आना पड़ेगा। कब आप ऊपर से आओगे? कब आप ऊपर से आओगे? किस दिन आओगे? किस दिन 5% वाला बनोगे? कब? मैंने किसी क्लास किसी सेशन में बोला था आप लोगों को कि भैया सही बात तो है कि कंपटीशन है नहीं। बोले क्यों? तो जब तुम लोग सो रहे होते हो तब कोई ना कोई पढ़ रहा होता है, और जब तुम लोग नहीं पढ़ रहे होते तो भी कोई ना कोई पढ़ रहा होता है, और जब तुम पढ़ रहे होते हो तो भी वो पढ़ रहा होता है। ध्यान रखना उस कितना ज्यादा पढ़ रहा होता है कि तुमको पछाड़ के निकल जाता है, तो 5% वाला है, वहां कंपटीशन ही नहीं है। कैसे नहीं है भाई? कैसे नहीं है? तभी ग्रुप बी का फॉर्म कितना भरा था लिख लो, लाखों भरे थे, हजारों भरे थे यूपीएससी का फॉर्म। हाँ, 3 लाख क्या बोल रहा है तू? बीएड से नीचे सर, बीएड से नीचे, बीएड ऊपर नहीं है, सारे भी नीचे, वजन सब नीचे। आप अपने शरीर को देख लो, सारे वजन इसके नीचे, इसके वजन कितना है देख लो। आप कैसे देखोगे? काट के वजन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? भीड़ सब सब कहां है? नीचे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा ही शरीर को चलाता है ये, पूरे पूरे शरीर को चलाता कौन है? ये पार्ट। तुम कब चलाओगे? कब चलाओगे तुम? कब शुरू कर रहे हो चलाना? कब बन रहे हो 5%? बनो दोपहर शाम जब टाइम मिले आईना के सामने खड़े हो जाओ, बोलो XYZ तू 5% वाला है, तू XYZ तू 5 दुनिया पे राज करने वाला है, तो XYZ तुम दुनिया पर शासन करने वाला है, तुम दुनिया में 5% लोग में से जो चमकने वाला है, तुम एबिलिटी 5% वाला है, XYZ तुम दुनिया में वो कर सकते हो जो 5% लोग करते हैं, XYZ तू ही तो है जो 5% वाले में से है, और तब देखो तुम में ये जो पार है वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तब तुम राज करते हो कि नहीं करते हो? तब तुम साइन करते हो कि नहीं करते हो? और तब तुम्हारे पास कौन सा नेगेटिविटी आता है वो भी हम देख लेते। ध्यान रखो ये सेशन, तुम लोग के आज के जितने भी सारे क्वेश्चन आज तक आए होंगे, अगर इस सेशन तुमने समझ लिया, अगर ये समझ लिया, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी यहां पर एक तालाब हो, उधर से गुजर रहे हो, ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन किसी ने कह दे उस तालाब में पता है 2 कुआं भी है, तो उतर के जाकर देखोगे। और किसी ने गलती से कह दिया कि उस कुआं में हीरा भी है, तब कोशिश करोगे कि उसमें उतर के निकाल ले, और मन में अलग अलग प्लान चल रहा है क्या करते कि जाके कुआं में से हीरा निकाल लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कहानी से मैं इसको एंड करता हूं। एक बार एक हीरा के व्यापारी था, हीरा के व्यापारी, सुनाए थे आप लोगों? क्या हुआ भाई, गिर गया क्या?
एक हीरा के व्यापारी था और हीरा के व्यापारी बराबर दिल्ली और बॉम्बे करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक चोर ने देख लिया हीरा ले जाते हुए, कहा कि अच्छा ये तो मौका है आज अच्छी लंबी हाथ मारने का। दोनों ट्रेन में चढ़ गए, दिल्ली से गाड़ी खुली, रात हुआ, वो चोर पहले ही सो गया कि भैया इतनी जल्दी जग के तो लेके जाना है आज, आज तो बड़ी लंबी हाथ मारना है। जब वो सो गया तो सेठ ने क्या किया, खाना वाना खाया, सोने चलने के पहले वो हीरा के पोटली ले जाके उसके बैग में रख दिया। किसके? चोर के। वो चोर रात को उठा, आके पूरा छीट छाट के देखा इसके, इसको नहीं मिला चोर को, फिर जाके थक के जाके सो गया। जब थक के सो गया भाई, अगले दिन हुए फिर वही रूटीन, रात को फिर वो सो गया, फिर जाके हाँ सुबह में इन्होंने जा गया और उस पोटली से अपना हीरा निकाल लिया, 5 बजे भोर में निकाल लिया, 4 बजे भोर में। चोर परेशान, फिर अगले दिन क्या किया कि फिर से रात में जल्दी चोर सो गया, कह के आज तो मार ही लूँगा हाथ, दूसरे दिन है अब तो पहुँचने वाला हूँ। फिर वही काम किया इन्होंने, जाके पोटली में डाल दिया और फिर सो गया आराम से। फिर इन वो चोर आया, खोजा, फाड़ चीर दिया कपड़े वगैरह को, नहीं मिला, परेशान हो गया, फिर जाके थका के सो गया, फिर अपने जाके हीरा निकाल दिया अपने सुबह में। और जब वो दोनों स्टेशन पर उतरे तो दोनों बोले, आया चोर कहा कि भाई एक बात बताना, तू मैं चोर हूँ, बचपन से चोरी करता हूँ और खूब करता हूँ, आज मैं चोरी छोड़ने वाला हूँ, तू पहले ये बता कि तू हीरा कहाँ रखा था। मैं चोरी छोड़ रहा हूं लेकिन तू पहले ये बता कि तू हीरा कहाँ रखा था। बोला, हीरा तुम अपने आप को तो खोजा ही नहीं, हीरा तो मैं तुम्हारे पास रखा था, हीरा तो मैंने तुम्हारे पास रखा था। ध्यान रखना, जितने दिन तू ये दूसरे को ब्लेम करते हो कि उसके चलते मैं नहीं कर पा रहा हूं, फैमिली के चलते नहीं पढ़ पा रहा हूं, रिश्तेदार के चलते नहीं पढ़ पा रहा हूं, रिश्तेदार के चलते नहीं बन पा रहा हूं, समाज के चलते नहीं कर पा रहा हूं, लोगों के चलते नहीं कर पा रहा हूं, उसके बजाय सामने खड़े हो जाओ आईना के सामने जितनी बार हो सकते हो और बोलो, मुझे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, XYZ तुमको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, तू तो ऐसा इंसान है कि तुमको किसी का फर्क नहीं पड़ेगा, तू तो पहुंचेगा, तू तो जाएगा, तू तो करेगा, तुम्हारे पास हीरा है, हीरा किसी के पास नहीं है, कोई तुमको नहीं देगा, तुम खुद तुमको अपने आप को देगा। और बोलो XYZ मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, तुम बहुत लाजवाब इंसान है। थैंक यू, थैंक यू।